हाय फ्रेंड्स, मेरी रीना सिलाई ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको बताने वाली हूँ स्टाइलिश ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ को सिल के कंप्लीट कर लिया। साइड में मैंने लटकन भी लगा रखे हैं फ्रेंड। बैक साइड में हमने हुक लगा रखी है और पूरे पाइपिंग से कंप्लीट कर रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। तो मैं आपको कटिंग करना बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए हमने यहाँ पर कपड़ा ले रखा है। कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, हमें ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है और हमें 6 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर आर्म होल बनाने के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच पे मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे लाइन खींच लेनी है स्केल से और ऊपर की साइड हमें यहाँ से क्या करना है, जो हमने 6 इंच पे मार्क किया है आर्म होल से लेकर के शोल्डर तक, यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है, गोल शेप। तो इस तरीके से हमें आर्म होल की गोल शेप देना है। देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल की गोल शेप बना ली है और नीचे की हमारा कमर की चौड़ाई, यहाँ पे हमने कमर की 8 इंच रखी है। कमर की 32 है तो इसकी चौथाई करेंगे, 8 इंच आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 8 इंच में निशान लगा लिया। एक्स्ट्रा हमने 1.5 से 2 इंच रख लिया है कपड़ा। और यहाँ पे हमें गले बनाने हैं तो गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की लेंथ बनानी है हमारी बैक साइड की है, तो गले की लेंथ 9 इंच रखनी है और इसे हम गोल शेप देंगे। गोल शेप देने के बाद हमें यहाँ पे नीचे की साइड जो प्लेटें बनानी है उसे हम इस तरह के निशान लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद जो हमने एक प्लेट बना रखी है, दूसरे साइड भी इसी तरीके से हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैक साइड की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट के लिए हमें कपड़े को सेम उसी तरीके से डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें बैक की फ्रंट के इस कपड़े के ऊपर रखना है और आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने के बाद नीचे की साइड की, यहाँ पे कमर की साइड पे भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे गले के निशान। तो गले के निशान, गले की लेंथ है 7 इंच, तो हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे इस तरीके से पूरा कट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग वी कटिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गले की कटिंग वी कटिंग है। वी कटिंग के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, साइड में यहाँ से यहाँ तक के निशान लगाने हैं। तो हमें कपड़े को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच के स्पेस पे हमें इस तरीके से लाइन गोल शेप देना है। यहाँ पे इस तरीके से गोल शेप देना है। गोल शेप देने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने काट लिया है। काटने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं पट्टियाँ कट करके ये दोनों साइड पे हमें पाइपिंग लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे पट्टियों की कटिंग करना बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कपड़े को ले रखा है, यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टियाँ हमने कट की है। यहाँ पे इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है। अब हम इस पट्टियों को काट लेंगे। इसी तरीके से हमें 4 और भी पट्टियाँ कट करनी है और 2 चौड़ी पट्टियाँ कट करेंगे, जिससे हमें चौड़ी पट्टी लगानी है हमें मुड्डे पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2-3 पट्टियाँ 4 इतनी सारी पट्टियाँ कट कर रखी हैं। तो 2 हमें जो चौड़ी पट्टियाँ हैं वो हमें मुड्डे पर लगानी है और बाकी हमें नेक पे और बैक पे लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये बैक की पार्ट जो है हमें पीछे के साइड हुक लगानी है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली और दो पट्टियाँ कट करनी है जो हमें हुक लगानी है तो इसे सिलने के लिए। तो ये हमने बैक की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी ये फ्रंट की कटिंग। तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट की कटिंग कर रखी है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमें पाइपिंग लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो और भी मेरी वीडियो की जानकारी लेनी है तो आप आई बटन को क्लिक कीजिए। और भी मैंने लेटेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग डाल रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस कपड़े के नीचे एक कपड़ा रखेंगे और इसे काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले रखा है जो वाइट कलर का है। इस कपड़े को रख के इसे हम बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेंगे। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा कट रहा है लेकिन हमें इसे काट के बराबर कर लेना है। और यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने वाले जो यहाँ पे छोटा वाला पार्ट है उसे रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हमें इसकी कटिंग बराबर कर लेनी है। तो हमें यहाँ पे बराबर कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे हम तो पहले दोनों साइड पे मैंने आपको पाइपिंग लगानी बताई थी, वो चीज़ आप लगा लीजिएगा। उसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स की कटिंग अच्छे से कर लिया है।